हाय दोस्तों, मैं हूं दीपेश और आप देख रहे हैं बैंक गुरु। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि SBI में सेविंग अकाउंट दोस्तों जीरो बैलेंस वाला कैसे खोलेंगे। दोस्तों बैंक में जाके खोलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी तो बताते नहीं है। वीडियो में बताते हैं कि आप अपने मोबाइल से SBI का जीरो बैलेंस वाला अकाउंट कैसे खोल लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों SBI योनो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। SBI योनो ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ डाउनलोड हो रहा, अभी SBI योनो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ आ रहा दोस्तों। डाउनलोड होने के बाद उसे ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको पूछ रहा ओपन सेविंग अकाउंट, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है दोस्तों, तो ओपन सेविंग अकाउंट को करेंगे दोस्तों। यहाँ पे है विदाउट ब्रांच, यानी आपको एक बार भी ब्रांच नहीं जाना है, मोबाइल से ही खोलना है, तो यहाँ मोबाइल से भी खोल सकते हैं। विथ ब्रांच विजिट, दो ऑप्शन है। दूसरे वाला करेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें एक नंबर मिल जाता है, उसे लेकर आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर ब्रांच जाना है, तो विदाउट ब्रांच विजिट से ही करेंगे दोस्तों। चलिए इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट शो कर रहा है, चलिए यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सैलरी अकाउंट है दोस्तों, इसके टच नहीं कीजिएगा, उसे फिलअप नहीं कीजिएगा, सैलरी अकाउंट नहीं खोलना, उसको खाली छोड़ दीजिएगा। अनबॉक्स करके यहाँ सबमिट हम कर देते हैं, तो चलिए यहाँ सबमिट कर दिए। स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, पहला बार स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, नीचे में रिज्यूम एप्लीकेशन, कभी करते हुए गड़बड़ हो गया तो उसको यूज होता, हम स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन में करेंगे। कहा कि हमें न्यू एप्लीकेशन चालू करना, नया स्टार्ट से कर रहे हैं, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन दोस्तों। चलिए यहाँ टच कर देते हैं। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की KYC में क्या क्या है दोस्तों, KYC करने के लिए वीडियो कॉल होगा दोस्तों, पेपरलेस है इसमें, नो ब्रांच में विजिट की ज़रूरत नहीं है, रुपए कार्ड आपको मिलेंगे, पैन कार्ड आधार कार्ड जरूरी है तभी ये खुलेगा, नीचे में एक बॉक्स है। तो दोस्तों इतना अगर है, ब्रांच नहीं घूमना है, आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब डिटेल आपके पास है तो आपको ब्रांच जाने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब नीचे में टिक है, एक बॉक्स है, उसको टिक करेंगे दोस्तों। जैसे टिक करेंगे अपना मोबाइल नंबर डालना दोस्तों, जो आधार से लिंक हो वही मोबाइल नंबर डालें। नीचे में ईमेल आईडी आपको लिखना है, नीचे में ईमेल आईडी लिख के ओके करेंगे। चलिए OTP है सेंड सक्सेसफुल मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पे OTP गया है दोस्तों, और जो ईमेल आईडी आप दिए थे उस पे भी OTP गया है, दोनों को सबमिट कर देंगे। तो यहाँ जैसे सबमिट करेंगे तो प्लीज़ क्रिएट अ एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको कुछ पूछ रहा है दोस्तों, प्लीज़ क्रिएट अ एप्लीकेशन पासवर्ड, री इंटर एप्लीकेशन पासवर्ड। एक एप्लीकेशन पासवर्ड है दोस्तों जिससे अकाउंट खुलता है, एक लेन देन के लिए अलग पासवर्ड होता है, तो यह एप्लीकेशन पासवर्ड मांग रहा है, इसे लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ एप्लीकेशन पासवर्ड दे देते हैं, बेजोड़ दीजिएगा, अपर कैट लोअर कैट मिक्स दीजिएगा, एक स्पेशल करेक्टर उसी को री इंटर कीजिएगा। यहाँ पे है सिक्योरिटी क्वेश्चन, किस क्वेश्चन डालते हैं उसका आंसर लिख देते हैं, जब पासवर्ड भूल जाएंगे तब इसका काम आएगा। इसको करने के बाद नेक्स्ट करते हैं, आई एम एलिजिबल ऊपर में टिक करके नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं, तो यहाँ पहला दिखा रहा दोस्तों अकाउंट ओपनिंग का फर्स्ट कंप्लीशन है दोस्तों, इसे आई एग्री करके नेक्स्ट करना होगा। चलिए आई एग्री, यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट है, नेक्स्ट करते हैं। आधार कार्ड VID नंबर, तो इंटर यहाँ आधार कार्ड को इंटर करना होगा दोस्तों, VID नंबर उसी का जो मिलता है, तो आधार कार्ड नंबर कर डाल के, और यहाँ गेट OTP है दोस्तों, यहाँ गेट OTP पे टच करते हैं। OTP आया दोस्तों, OTP को आपको लिखना है और वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपका आधार कार्ड दिखा रहा, चलिए नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ एड्रेस, पिन, स्टेट, आधा तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया दोस्तों, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है या विलेज सेलेक्ट करना है, ये सब दोस्तों आपको सेलेक्ट करके ओके करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा आप दोस्तों पैन कार्ड नंबर, तो पैन कार्ड को लिख के और दोस्तों यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। आधार फोटो, तो यहाँ पे आपका आधार में जो फोटो है दोस्तों वो दिखा दे रहा। चलिए यहाँ पे एडिशनल, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो जहाँ तक पढ़े हुए हैं बिलो SSC ग्रेजुएट कर देते हैं दोस्तों। मटेरियल स्टेटस, उसके बाद मटेरियल स्टेटस, शादीशुदा तो मैरिड कीजिए, नहीं है तो अनमैरिड करके करना है दोस्तों। इसके बाद आ रहा है दोस्तों सिटी, मेडन नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब दोस्तों आप अपने अनुसार फिलअप कर लीजिएगा। क्लियर माय कंट्री, बर्थडे, सिटीजन, नेशनलिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे चेकअप करके दोस्तों हम नेक्स्ट की ओर करते हैं। जैसे करेंगे तो फिर आ रहा एडिशनल डिसेंट ऑक्यूपेशन, क्या सर्विस है, अदर है, बिजनेस है, तो चलिए यहाँ पे हम सर्विस को टच करते हैं। एनुअल इनकम, यहाँ एनुअल इनकम यानी दोस्तों सालाना, तो यहाँ 1 लाख 1.5 लाख ज़्यादा नहीं लिखिएगा दोस्तों, यहाँ 1 लाख 2 लाख जो है लिख के। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। रिलीजन हिंदू है, मुस्लिम है, तो जो है अपना सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ कैटेगरी जनरल है, OBC है, ST है, SC है, सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों नॉमिनी नेम,
नॉमिनी डिटेल, नॉमिनी का नाम उम लिखना है दोस्तों, तो नॉमिनी का नाम क्या है, उसका रिलेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी माइनर तो उसका गार्जियन नेम और एज, नॉमिनी माइनर नहीं दीजिएगा। चलिए ये सब डिटेल भर के दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। यहाँ सर्च बाय दोस्तों योर होम ब्रांच, यही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे गलत मत फिलअप कीजिएगा, गलत कर दिए तो दिक्कत होता है दोस्तों। आप किस ब्रांच में अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो चलिए दोस्तों सर्च कर लीजिए आपका जो घर है उसके सामने कौन ब्रांच पड़ता है, तो यहाँ सर्च कर सकते हैं ब्रांच का नाम या ब्रांच कोड सर्च किए तो यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, अपना नेट में भी देख लीजिएगा ब्रांच हो और वही कोड हो दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन है, बॉक्स को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ मोबाइल पे OTP आएगा तो OTP को यहाँ फिलअप कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड का क्या नाम आपको चाहिए, तो यहाँ पे मनचाहा नाम लिख के दोस्तों नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक टोकन नंबर मिल गया है दोस्तों, देखिए ये टोकन नंबर को संभाल कर रखिएगा, वीडियो कॉल में काम आता है, पूछते हैं तो चलिए दोस्तों ये टोकन नंबर लिख लीजिएगा स्क्रीन शॉट लेके। यहाँ पर हम और नीचे में एक बॉक्स है उसे फिलअप करके नेक्स्ट की ओर करते हैं दोस्तों। ये टोकन नंबर हमेशा करिएगा, अच्छा से रखिएगा दोस्तों। अब देखिए आ रहा वीडियो के वाई से स्टार्ट वीडियो को ID, वो टोकन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक सादा पेज और एक पेन रखिएगा दोस्तों। साइन मांगते हैं, आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड का स्क्रीन शॉट लेंगे, तो ओरिजिनल होना चाहिए सब दोस्तों। इतना अगर सब चीज़ है तब हम वीडियो कॉल करेंगे। कैमरा को यहाँ परमिशन ऑन कर दीजिएगा, माइक्रोफोन ऑन करेंगे, लोकेशन आप ऑन कर दीजिएगा, तब दोस्तों आपको वीडियो कॉल होगा। अब वीडियो कॉल में वो आपको आधार कार्ड पे और सिग्नेचर करवाएंगे दोस्तों। करने के बाद दोस्तों आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है दोस्तों, आपका जो डेबिट कार्ड दोस्तों आपका एड्रेस बाई पोस्ट आता है। तो दोस्तों ये आशा है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, जीरो बैलेंस SBI में आप दोस्तों बहुत आसानी से खोल सकते हैं। अगर दोस्तों अभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो आप नीचे में कमेंट में पूछ लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल में नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।